गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे, सभी मस्त होंगे। शाम का टाइम है, शाम नहीं, शाम और रात, इन दोनों के बीच का टाइम है। अभी बज रही है करीबन 8 और घर के सारे ही काम जो है वो शाम के ख़त्म हो गए हैं और अब मैं लेके बैठी हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरे पास में कमेंट भी आया था कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हो, बच्चों की स्टडी की रूटीन क्या है वो शेयर कीजिए। तो बच्चों की स्टडी की जो रूटीन है वो आपके साथ में मैं डिटेल में एक वीडियो बना के शेयर करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ हल्का फुल्का बता देती हूँ कि 8 बजे जो है वो बच्चों को शाम की स्टडी का टाइम होता है और उसके बाद में मैं बच्चों को, मतलब बच्चे वैसे ट्यूशन जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आजकल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यही है कि पढ़ा मतलब ट्यूशन से आने के बाद में जब बच्चे 8 बजे पढ़ने बैठते हैं तो मैं उनके पास में बैठ के उनको ये चीज़ें ज़रूर पूछती हूँ कि ट्यूशन में क्या पढ़ाया है, स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया है, और स्कूल और ट्यूशन से जो होमवर्क उनको मिला है वो उन्होंने कम्प्लीट किया कि नहीं किया। तो ये कुछ रूटीन है हल्की फुल्की मैंने आपके साथ में शेयर करी है। और आज का जो वीडियो है वो मैं आपके साथ में, उसमें मैं आपके साथ में ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं रात के टाइम पे क्या क्या चीज़ें जो है वो काम निपटा के सोती हूँ ताकि नेक्स्ट डे जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है मेरे लिए। तो वो मैं आपके साथ में आज के वीडियो में शेयर करूँगी। तो 8 बजे से मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी, बच्चों को आधा घंटे के अंदर मैंने जो कुछ पूछना था बताना था वो सब करने के बाद में अब मैं आई हूँ किचन के अंदर। और ये कुछ सब्जियाँ जो थी वो शाम को जैन साहब खाना खाने आए थे 6 बजे ना, तब वो लेकर आए थे। तो जब वो लेकर आए तभी मैंने तुरंत इनको हाथों हाथ धो दी थी क्योंकि मुझे रात को ही इन सब्जियों को अपनी जगह पर लगाना था। अगर वो लेट लेके आते हैं ना तो फिर मुझे ओवरनाइट सब्जियों को रखना पड़ता है, और यदि वो जल्दी लेके आ जाते हैं तो फिर मैं धो देती हूँ सब्जियों को, तो वो रात होते होते सूखी जाती है। और आजकल जो मौसम है ना वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, थोड़ा सा मतलब गर्मी जो है वो शुरुआत हो गई है। दिन को तो काफ़ी ज़्यादा तीखी तीखी धूप होती है और उसी की वजह से शाम होते होते हल्की हल्की गर्मी लगती है, तो इसकी वजह से सब्जियां जो थी वो अच्छे से सूख गई थी। तो सब्जियों को मैं अभी ही अरेंज करके रख दूँगी ताकि सुबह जो है मेरा ये एक बड़ा सा काम कम हो जाएगा। और इधर मैंने बच्चों के लिए दूध जो है वो भी चढ़ा दिया है क्योंकि दूध उबलेगा, ठंडा होगा, तो उस बीच में मैं बहुत सारे काम जो है वो निपटाने वाली हूँ। तो सब्जियाँ मैंने अरेंज करके रख दी है और ये बच्चों के जो टिफ़िन है वो दिन को साफ़ करके मैंने इसी खिड़की में रख दिए थे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी धूप आती है। तो बच्चों के टिफ़िन और बॉटल उनको मैं धूप में ज़रूर रखती हूँ ताकि बॉटल में और टिफ़िन में किसी भी तरीके की स्मेल जो है वो नहीं आए। तो दिन को मैंने वॉश किए थे तब से ये यहीं पर पड़े हुए थे और अभी रात को टिफ़िन और बॉटल सबको ही अच्छे से, मतलब उनकी जो ढक्कन वगैरह होते हैं ना, उन सभी को पैक करके मैं यहीं पर इस कोने में रख देती हूँ ताकि सुबह मुझे चीज़ें जो है वो ढूंढनी नहीं पड़े। और इधर दूध जो है वो मतलब उबल गया है, अभी मैंने गैस बंद कर दिया लेकिन ठंडा होने में टाइम लगेगा। और इसी बीच में परी ने मुझे आवाज़ लगाई थी कि दूध के साथ में मैं ये खिचड़ी पापड़ खाऊंगी। तो परी जो है ना वो प्लेन दूध नहीं पी सकती है, उसको साथ में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो यदि बिस्किट वगैरह होते हैं तो वो बिस्किट खाती है, लेकिन आज बिस्किट उसने शाम को खा लिए थे तो फिर मैंने अभी उसको बिस्किट नहीं दिया। तो अगर दिन में एक ही बार मैं बिस्किट जो है वो खाने के लिए देती हूँ क्योंकि वो मैदे के होते हैं ना तो फिर उसका स्टमक पेन होता है बार बार, तो इसके लिए फिर मैं बिस्किट जो है वो अवॉइड ही करती हूँ। कभी कभी देती हूँ, ऐसा नहीं दिन में एक आध बार भले खा लो, लेकिन हर टाइम पे जब छोटी मोटी भूख लगी और बार बार बिस्किट खाना भी सही नहीं है। तो अभी फिर मैंने उसको खिचड़ा पापड़ जो है वो सेक के दिया है और उसको ना खिचड़ा पापड़ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा के और थोड़ा सा उसके ऊपर मसाला या फिर मेरे पास में तो जेरावन पाउडर है तो मैं वो डाल के देती हूँ, तो उसको फिर काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये जो है ना वो विहान को पसंद नहीं है, तो दोनों की अपनी अपनी चॉइस है, मैं फोर्स नहीं करती हूँ, जो उनको पसंद है वो उनको खाने देते हैं। तो अभी बस दो खिचड़ा पापड़ मैंने उसके लिए सेक दिया है और दूध के साथ में वो खाएगी। और अभी दूध जो है वो मैंने प्लेट में डाल दिया ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसी बीच में फिर मैंने सोचा कि खड़े रहने से ज़्यादा अच्छा है ये बर्तन पड़े हैं जो शाम को मैंने वॉश किए थे, तो कुछ बर्तन सूख गए थे, बड़े बड़े बर्तन थे ना वो तो सूख गए थे लेकिन कुछ गीले थे, तो गीले जो बर्तन है उसको फिर मैं कपड़े से पोंछ के अरेंज करूँगी। और अच्छा, बर्तन जमाने का काम है ना वो तो मैं सुबह ही करती हूँ, कभी ही ऐसा होता है कि मैं शाम को या रात को करके सोती हूँ, बाकी वो काम मैं सुबह करती हूँ क्योंकि सुबह तक होते होते बर्तन जो है वो सारे सूख जाते हैं, उनको पोंछने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अभी मेरे पास में टाइम था तो मैंने ये वाला काम भी निपटा दिया। और लास्ट में बारी आती है जो कुछ बर्तन थे बच्चों के चाय दूध के और इसके अलावा कुछ बर्तन बच्चे स्नैक्स वगैरह खाते रहते हैं शाम को, क्योंकि शाम को 6-6:30 बजे बर्तन जो है वो हमारा डिनर हो जाता है तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ बर्तन जो है इकट्ठे हो ही जाते हैं, तो वो वाले बर्तन जो है वो भी मैं रात को करके सोती हूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग में किचन और सिंक दोनों ही अच्छे से साफ़ चाहिए होती है।
तो ये छोटे मोटे काम है, ये अगर निपटा के सोते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट डे जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव निकलता है। आप एक नॉर्मल जो आपकी रूटीन जो है उसमें आप आ जाते हो, नहीं तो फिर आप रात के इन काम को निपटाने में ही आपको आधा एक घंटा लग जाता है, और फिर आपकी जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो होती है ना वो इतनी नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाती, इतनी प्रोडक्टिव नहीं हो पाती है। और फिर सारे ही काम जो वो निपटा दिए थे, फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि मुझे दूध जो है वो भी जमाना है, क्योंकि दही बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था, और दही जो है वो बहुत ही मस्ट है, घर के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि दही से कई बार रायता वगैरह ये भी बन जाते हैं, या फिर कभी पराठे वगैरह बनाए हैं तो उसके साथ में भी दही चाहिए, और नहीं तो फिर दही की कुछ ना कुछ कड़ी है या फिर राह वगैरह कुछ भी बन जाती है, तो फिर दही जो है वो भी मैं रात को जमा के ही सोती हूँ। और इन छोटे मोटे काम को निपटाते निपटाते करीबन 9:30 बज गई थी, और रात को सोने से पहले मेरा जो किचन है वो कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, और लास्ट में सिर्फ बच्चों के कप बच जाते हैं तो उनको बता के रखा है कि आप अपने कप जो है वो खुद से ही धो के रख दो, क्योंकि कप को यदि ऐसे ही रख देते हैं ना बच्चे तो कई बार ऐसा होता है भूल भी जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा धो ही देते, जब याद आता है तो धो देते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं, लेकिन जब रख देते हैं ना तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई मतलब मच्छर मक्खी ऐसे मर जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है कि उसको वॉश करके रख दो। और 10 बज गई है, दोनों बच्चे सो गए हैं, दोनों ने अपना बैग पैक कर दिया, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो भी सेट करके रख दिए। तो रात की बज गई है 11:30, ये देखो, तो 11:30 बज गई है, बच्चे तो सो गए थे 10 बजे के करीब, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, सब लोग सो गए हैं, और मैंने सोचा कि सोने के पहले आप सबको गुड नाइट बोल देते, लेकिन हाँ अभी नहीं सो रहे हैं, सोने के पहले आज जैसा बहुत टाइम बाद लेकर आए हैं आइसक्रीम, तो हम आइसक्रीम खाएंगे, और बच्चों को रात को नहीं दी थी क्योंकि फिर अभी मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा है, तो उनको फिर मैं कल जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना तो दिन के टाइम पे थोड़ी गर्मी होती है तो उस टाइम पे फिर उनको दे सकते हैं, तो उनको फिर मैं कल दिन को सरप्राइज़ दूँगी, बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन से आइसक्रीम लेकर आए, मुझे नहीं पता उन्होंने लाए थे और उन्होंने फ्रीज़र में रख दी थी, अभी मैं सोने के लिए गई तो उन्होंने कहा मैं कुछ लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, तो देखते हैं क्या लेकर आए। और मेरी है ना ये फेवरेट कैंडी है, ऑरेंज कैंडी, बचपन में बहुत खाते थे, इस तरह की आइस वाली कैंडी मिलती थी, पहले तो बहुत सस्ती मिलती थी, 2-2 रुपए में मिल जाती थी और बहुत इंजॉय करके खाते थे, लेकिन अब है ना उतना मज़ा नहीं आता है खाने का, पता नहीं पहले काफ़ी अच्छी लगती थी, आजकल इतना मज़ा नहीं आता है खाने में, लेकिन आज जैन साहब को पता है कि ये कैंडी जो है वो बच्चों को भी पसंद है मुझे भी पसंद है, तो वो लेकर आए और बहुत टाइम बाद लेकर आए थे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है ना तो सर्दी के मौसम में मैं उनको अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि हम खाएँगे तो फिर बच्चों को तो हम छोड़ नहीं सकते, और मौसम इस बार तो पूरा ही इतना ज़्यादा ख़राब रहा है कि पूरे ही मौसम में कभी सर्दी कभी जुकाम कभी बुखार चलता ही रहा, तो इसके लिए। और अब ये जो वीडियो क्लिप है ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, तो सुबह की बजी है अभी करीबन 5:15, अभी जस्ट ही उठी हूँ, और उठने के बाद में सबसे पहला जो काम होता है वो है झाड़ू निकालने का, तो जो पैसेज है और किचन और लिविंग रूम इन तीनों में ही झाड़ू निकालती हूँ, बाकी कमरों में तो सब लोग सो रहे हैं तो वहाँ पर फिर बाद में झाड़ू निकालते हैं, नहीं तो कई बार रह भी जाता है, लेकिन जो जगह मुझे अभी दिख रही है वहाँ वहाँ तो मैं अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ। और ये अर्ली मॉर्निंग का जो झाड़ू निकालने का काम रहता है ना ये फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं घिस घिस के नहीं निकालती हूँ, या फिर कोई फर्नीचर वगैरह हटा के ऐसा नहीं निकालती हूँ, जो जगह मुझे खाली खाली दिख रही है बस वहाँ पर मैं हल्का फुल्का सा झाड़ू जो है वो घुमा देती हूँ, मतलब अभी मेन पर्पज़ जो है वो झाड़ू मतलब कचरा जो है वो साफ़ करने का नहीं होता है, मेन पर्पज़ ये रहता है कि
जो रात भर में कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ऐसा कुछ भी हो ना तो वो सब हट जाए बेचारे, वो हमारे पैरों के नीचे दब के कुचल के मरे नहीं, तो मेन पर्पज़ ये रहता है। और इसके अलावा घर के अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है यदि आप सुबह उठ के अच्छे से झाड़ू वगैरह निकालते हैं। हमारे वहाँ तो सुबह उठ के ऐसे पूरे ही घर में झाड़ू निकालते थे, बाहर आंगन वगैरह होता था तो वो भी साफ़ किया जाता था अच्छे से, और करीबन इन सब कामों में आधा घंटा लगता था सुबह सुबह। लेकिन यहाँ तो जगह इतनी कम है, सब जगह फर्नीचर बने रहते हैं तो 5 मिनट में ही ये काम हो जाता है। तो बस अभी झाड़ू वगैरह निकालने के बाद में सबसे पहले मैं ब्रश करूँगी, और ब्रश करने के बाद में फिर जाऊँगी बच्चों को उठाने के लिए, और फिर करूँगी मैं किचन के काम। तो बड़ी ही मुश्किल से 15 मिनट मुझे लगे दोनों बच्चों को उठाने में। दोनों बच्चे उठ गए हैं, दोनों का ब्रश वगैरह जो है वो भी हो गया है, और मैंने बाल्टी दोनों बाथरूम में भर के रख दिए गर्म पानी से। अब आगे का काम वो उनके करते रहेंगे। मैं आई हूँ किचन के अंदर और जल्दी से कर देते हैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो रात को ही सोच के सोई थी कि टिफ़िन में बनाना क्या है, तो बच्चों के लिए मुझे बनाना है टिफ़िन में उपमा। और रात को प्लानिंग तो मैंने कर दी थी कि उपमा बनाना है, लेकिन दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि उपमा के अंदर जो मटर डालती हूँ मटर भी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ना मटर की सब्ज़ी बनाई थी और सारे के सारे मटर मैंने यूज़ में ले लिए थे। तो बिल्कुल दिमाग में रह गया था, मतलब रात को जब सोचा था ना कि उपमा बनाना है तो इमेज ये थी कि थैली के अंदर मटर पड़े हुए हैं, लेकिन ये भूल गई थी कि 2 दिन पहले मैंने उसी मटर की सब्ज़ी जो है वो बना दी थी और थोड़े भी मटर बचे हुए नहीं थे, और हरी मिर्ची जो थी वो भी ख़त्म हो गई थी रात, मतलब कल शाम को जैन साहब सब्ज़ियाँ लेकर तो आए थे लेकिन जहाँ से लेकर आए थे वहाँ पर हरी मिर्ची थी नहीं, तो उन्होंने कहा था कि हरी मिर्ची तू लेकर आ जाना, तो मेरे दिमाग से निकल गया तो आज ना तो हरी मिर्ची है और ना ही मटर है, तो उसके बिना ही उपमा बनने वाला है। तो हरी मिर्ची की जगह पे तो मैं लाल मिर्ची का यूज़ कर लूँगी, और मटर की जगह पे आज डालूँगी नरम मूंगफली के दाने। तो बस यही है कि सुबह सुबह ना जब चीज़ें आपको मिलती नहीं है ना तो आपका जो दिमाग है ना वो 100 की स्पीड में चलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं रात को सोचना भूल जाती हूँ कि सुबह बच्चों के टिफ़िन में बनाना क्या है, और जैसे ही किचन में आके खड़ी होती हूँ तो मतलब दिमाग जो है वो इतना स्पीड में काम करता है कि चीज़ें जो है वो फटाफट मिल भी जाती है, और जो एकदम ईजी वाली टिफ़िन की जो रेसिपी है ना इंस्टेंट बनने वाली वो भी दिमाग में आ जाती है। तो ये इसीलिए तो कहते हैं कि मॉर्निंग में आपका जो माइंड है ना वो एकदम एनर्जेटिक होता है और 100 की स्पीड में काम करता है। तो बस अभी उपमा जो है वो मैंने चढ़ा दिया है ऊपर, सूजी सेकने के लिए रख दी है। अच्छा, टमाटर जो है वो आज मैंने सूजी जो को रोस्ट कर रही थी ना तो उसी के टाइम पे ही डाल दिए मैंने। बाकी जनरली अगर मैं टमाटर डालती हूँ तो मैं जब पानी डालती हूँ ना उस टाइम पे डालती हूँ, लेकिन होता क्या है कि पानी डालते में ही सारा का सारा पानी जो है वो सूजी सॉक कर लेती है और फिर टमाटर जो है वो कच्चे रह जाते हैं, और फिर बच्चे क्या करते हैं कि जब खाते हैं ना टिफ़िन में तो वो सारे के सारे टमाटर छांट के अलग निकाल देते हैं और फिर वो सारे के सारे टमाटर फेंकने में जाते हैं। तो आज मैंने सूजी को रोस्ट किया, उस टाइम पे ही अंदर सारे टमाटर डाल दिए तो टमाटर बहुत अच्छे से गल गए। और उपमा बन रहा है, तब तक मैं जल्दी से भर दूँगी बच्चों के पानी की बॉटल। अच्छा, इन बॉटल्स के लिए भी मेरे पास में कमेंट आते हैं कि ये आपने कहाँ से मंगाई है, किस ऑनलाइन ऐप से मंगाई है। तो ये बॉटल्स मैंने ऑनलाइन ऐप से नहीं मंगाई है, ये मैं जब इस बच्चे की 6th क्लास में है तो जब स्कूल का सेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर मैं डी मार्ट से लेकर आई थी, और काफ़ी अच्छी बॉटल्स है, बहुत अच्छी लगती मुझे ये वाली बॉटल्स, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आई थी डी मार्ट में, तो शायद 199 रुपीज़ की एक बॉटल थी। तो और इनके ऊपर का जो स्टील वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो पानी की बॉटल मैंने भर दी है, इधर उपमा जो है वो भी बन गया है, तो अभी बस उपमा जो बच्चों के टिफ़िन में भर दूंगी, और फ्रूट्स में मेरे पास में स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई है तो स्ट्रॉबेरी जो है वो भी बच्चों के टिफ़िन में भरूंगी। तो आज बच्चों का बहुत ही फेवरेट वाला खाना जो है वो बना है, तो बहुत ही शौक से आज बच्चे खाना खाने वाले हैं टिफ़िन, क्योंकि टिफ़िन में ना वैसे तो उनकी पसंद का ही बनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो उनको पसंद है वो चीज़ या तो घर के अंदर है नहीं, या फिर कई बार देखो हो जाता, हमेशा बच्चों की पसंद की चीज़ें बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज उपमा और स्ट्रॉबेरी दोनों ही बच्चों को पसंद है। तो बस आज बच्चों की पसंद का खाना बना है, टिफ़िन जो है वो भर के बाहर रख दूँगी, और चाय जो है वो भी चढ़ा दी थी मैंने तो वो भी बन गई है, तो बच्चों को अभी खाने के लिए स्नैक्स भी दे दूँगी। अच्छा, मेरे पास में ये भी कमेंट आता है कि आप बच्चों को सुबह सुबह दूध क्यों नहीं देते हो, तो बच्चों को मैं सुबह सुबह दूध इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि एक तो बच्चे दूध पसंद करते नहीं है और दूसरा उनको ना पीने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर सुबह मैं दूध दूँगी तो बच्चे फिर बहुत लेट कर देंगे दूध पीने में। और एक चीज़ और है कि बच्चों को सुबह सुबह दूध देते हैं ना तो बच्चों का पेट खाली पेट होता है मतलब ना, तो फिर ना उससे बच्चों का पेट दर्द भी होता है, तो इसके लिए फिर मैं दूध जो है वो बच्चों को रात को देती हूँ। तो बस यही सब कारण है, इसके लिए मैं बच्चों को मॉर्निंग में दूध नहीं देती हूँ।
हूँ। और बस बच्चे जो है वो स्कूल चले गए थे और मैं आई थी ऊपर, ऊपर आके मैंने भी अपनी चाय वाय पी और थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद मैं जा रही थी शावर लेने के लिए, तो सोचा कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ली जाए। तो कल शाम को दूध आया था, तभी मैंने 2 चम्मच कच्चा दूध निकाल दिया था और बस अभी उसी कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला के अपने फेस की क्लिंजिंग जो है वो अच्छे से कर दूँगी और बस उसके बाद मैं फिर जाऊँगी शावर लेने के लिए। और बस इसी के साथ में ही ये वाला वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।